साहब कुछ दे दो साहब। तुझे कुछ चाहिए? ये पकड़ मेरी बच्ची और संभाल इसे। मैं नहीं रख सकता इस बच्ची को अपने पास। इसकी शक्ल में आईंदा कभी जिंदगी में नहीं देखूंगा। इसे संभाल, इसके साथ जो करना तू वो कर। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। बच्ची साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब मेरी बात तो सुनिए। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी बच्ची को ऐसे कैसे थमा सकता है किसी को? इतना निर्दयी बाप है। मैं तो खुद भीख मांग के गुजारा करता हूँ, इस बच्ची को कैसे संभालूंगा? एक काम करता हूँ, इस बच्ची को पुलिस को दे देता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या करेगी। हाँ, उस मेम साहब को दे देता हूँ ये बच्ची। मेम साहब कुछ पैसे दे दो। मेम साहब ये गरीब आपको दुआ देगा। दुआ देगा? ये पकड़ 500 रुपए और ये दुआ कर कि मुझे जल्दी से एक औलाद का सुख मिले। आपने एक गरीब की मदद की है मेम साहब, देखना मेरी दुआ लगेगी और आपको एक औलाद होगी। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन एक औलाद का सुख नहीं मिल रहा मुझे। आज तूने दुआ मांगी है, क्या पता तेरी दुआ लग जाए। मेम साहब गरीब की दुआ कभी खाली नहीं जाती, देखना भगवान मेरी दुआ जरूर सुनेगा और आपको औलाद देगा। ये मेरा कार्ड है, इसको रख, तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी ना मुझे कॉल कर दे। मेम साहब आप पहले इंसान हो जो एक गरीब के बारे में इतना सोच रहे हो, देखना भगवान आपको औलाद जरूर देगा। भगवान आपका भला करे। मेम साहब का तो नंबर भी था मेरे पास। काम करता हूँ, यहाँ किसी से फोन लेता हूँ और उनको कॉल करता हूँ, यहाँ बुलाता हूँ, ये सही रहेगा। भाई साहब मुझे एक फोन करना है, इस नंबर पर फोन मिला दोगे आप? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये ले। हेलो हेलो मेम साहब, मैं भिखारी। आपने मुझे भीख दी थी और आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था और कहा था अगर कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर लेना। मेम साहब मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ चाहिए तो मैं भिजवा देती हूँ तुम्हें। नहीं मेम साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है, क्या आप आ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। शुक्रिया भाई साहब। चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। क्या हुआ, तूने एकदम से मुझे यहाँ क्यों बुलाया, सब ठीक है ना? मेम साहब मैं यहाँ पे भीख मांग रहा था, एक भाई साहब आए और इस बच्चे को मुझे थमा के चले गए। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुके। ये एक लड़की है, शायद वो इसको नहीं रखना चाहते थे। मेम साहब मैं एक भिखारी हूँ, मैं इस बच्ची को नहीं संभाल सकता। आपको एक बच्चा चाहिए था ना, भगवान आपको जब भी बच्चा देगा और वो जैसा भी होगा बहुत अच्छा होगा। फिलहाल के लिए आप इस बच्चे को संभाल लीजिए। सच में ये तो भगवान का बहुत बड़ा करिश्मा है। मैं 2 दिन पहले अपने पति से बात कर रही थी कि हमें बच्चा नहीं हो रहा तो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन खुद समझ नहीं आ रहा था कि कहां से करें कैसे करें। और फिर तूने बताया कि इसका बाप इसे ऐसे छोड़ के चला गया और तू कह रहा कि इसे मैं संभालूं। ये तो भगवान का सच में बहुत बड़ा इशारा है। तू टेंशन ना ले, ये बच्ची आज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैं संभालूंगी। शुक्रिया मैम साहब, मुझे पक्का पता था कि आप इस बच्चे को जरूर संभाल लेंगी। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने बच्चे को ऐसे किसी को भी पकड़ा कर चले जाते हैं और एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो औलाद के लिए तरसते रहते हैं। आज इसे अपनी गोद में लेकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की असली दौलत ना आज मिली है मुझे, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली आज मुझे, और ये खुशी ना मुझे तूने दी है। सुन, आज के बाद ना तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल, तुझे मैं अपने ऑफिस में जॉब दूंगी। शुक्रिया मैम साहब, शुक्रिया।